प्रश्न से मैं आरंभ करूं कि आपको कोई वहां पर अलायंस या समझौता होते हुए नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो क्या इस प्रश्न को उनसे नहीं पूछना चाहिए जो दावा करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का सामना कर सकते हैं? देखिए, ये बात तो कहीं छुपी नहीं है कि इस समय कांग्रेस 4, 7 या 8 सीटों पर सीमित है। हम ये नहीं मानते हैं कि वो 7-8 सीटें जो हैं वो सही रिप्रेजेंटेशन करती हैं हमारी जो ज़मीन पर, जो हमारा ग्राउंड है, जो हमारी ज़मीन है उसका। लेकिन लोकतंत्र में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट होता है, कई लोग चुनाव लड़ते हैं उसमें से एक जीतता है। आज जो इसका दावा कर रहा है कि हम 300 सीटें जीतेंगे, उसको भी तो कुछ बढ़कर कुछ करना चाहिए। अगर करेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी का नेतृत्व जो है उसको सही रिस्पॉन्स देगा। लेकिन आज हमारा कर्तव्य है और हमको ये आदेश मिला है कि हम ये मान कर कि हमको कहीं से सहारा नहीं मिलेगा, हम अपने बलबूते पर, अपने पाँव पर खड़े होकर मजबूती से, सशक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे। आज प्रियंका जी हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं, आज के दिन वो उत्तर प्रदेश में हैं। मैं तो आपकी वजह से उनसे आज्ञा लेकर यहाँ आ आया हूँ, लेकिन हम बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। औरों को भी सोचना चाहिए देश के विषय में और देश में कैसी व्यवस्था बने, इसमें सबको बैठ कर सोचना चाहिए। सिर्फ कांग्रेस से आप ये अपेक्षा करें कि कांग्रेस हर निर्णय ले लेगी, जब कांग्रेस सरकार में होती है, बहुमत में होती है, तो प्रयास करती है कि इसमें हम आगे तक बढ़ें। हम हाथ बढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा दूसरी ओर से भी हाथ बढ़े। हमारा लक्ष्य सबका ये होना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था इस देश में बनाई है, उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से, अमूलचूल रूप से बदलना है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जीएसटी से रिप्लेस किया गया है कि नहीं किया? वैट तो सेकंड स्टेज था, उसके बाद जीएसटी आया है। तो अब नहीं, अरे तो आप देखिए, दो सवाल अलग अलग पूछिए। पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी नहीं है, इसी की हमको शिकायत है कि पेट्रोल पर डीजल जीएसटी नहीं है, इसकी शिकायत है। उसकी वजह क्या है कि वो फिर पेट्रोल और डीजल से जो कमाई करते हैं वो उनको स्टेट से शेयर नहीं करनी पड़ती, बल्कि जहाँ जहाँ वो कमाई करते हैं वो पैसा भी क्या स्टेट को पहुंच जाता है? हमारे मंत्रीगण यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए अगर जीएसटी का पैसा पहुंच गया। पूरा उल्लेख किया है, उन सब के कारण 23 करोड़ लोग, हमारे देशवासी, 23 करोड़ देशवासी गरीबी की रेखा के नीचे फिर से चले गए। कितने प्रयासों से हम उनको ऊपर लेकर आए थे, आज वो गरीबी की रेखा के नीचे फिर चले गए हैं, क्योंकि सरकार की अंधी नीतियां हैं, अंधी बैरी सरकार की नीतियों के कारण 23 करोड़ लोग फिर गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं। हमारा अपना जो टेन्योर था, जो समय था, उसमें हम 27 करोड़ को ऊपर लेकर आए थे, उसमें से 23 करोड़ फिर नीचे चले गए हैं, और जो बचे हैं क्या पता वो कब जाते हैं। 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अप्रैल और मई में रोजगार खो चुके हैं, नौकरियां खो चुके हैं अप्रैल और मई में इस वर्ष, और 97% लोग हैं जो पहले से नीचे, जिनको पहले से घटकर कम उनको जो वेजेस मिल रही हैं, उनको तनख्वाहें जो मिल रही हैं वो पहले से घट गई हैं। 97% कम नहीं होता, 97%। इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी लेबर फोर्स और हमारे सारे काम करने वाले लोग आज तकरीबन 100% पहले से कम कमाई कर पा रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ है, जॉब जो घटे हैं, जो नौकरियां घटी हैं ना, चुनाव तो आज नहीं है, जब चुनाव होगा तो हम जीतेंगे, लेकिन चुनाव आते तक ये और कितना बिगाड़ देंगे और मुझे कितनी बार फिर रांची आना पड़ेगा ये बताने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब पर थोड़ी दया करें, अपने आप पर भी दया करें, और वो मुक्त कर लें अपने आप को सरकार के पद से, और हमको वो सरकार चलाने का मौका दे दें। हम बढ़ रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ पेट्रोल
और डीजल का उत्पादन हमारे देश में घटता चला जा रहा है, लगातार घटता चला जा रहा है। इससे बढ़कर और कोई इससे बढ़कर सबूत नहीं हो सकता कि सरकार किस तरह से असहाय है और सरकार कोई भी ऐसा काम करने में भी फेल हो चुकी है जिस काम को बहुत अच्छी तरह हम बहुत सालों से कर रहे थे। तो जो ये जो क्रूड का प्रोडक्शन होता था, हम उसमें से उस वो 23% यानी कि जो बाहर से आयात होता था और यहाँ प्रोडक्शन होता था, उन दोनों को अगर हम लें तो से 23% उसका प्रोडक्शन जो था वो हम अपने देश में कर लेते थे। आत्मनिर्भर देश को 23% प्रोडक्शन का एक उस समय माध्यम से लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम के तहत हमारे बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री सीडब्ल्यूसी के मेंबर आदरणीय सलमान, और वो जिस तरह से लागू हुई उसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा हम सब पर, हमारे पूरे समाज पर। लेकिन जो उनकी 12% जीएसटी और 18% जीएसटी का उन्होंने मापदंड बनाया है, उस जीएसटी को वो कहाँ कहाँ लागू कर रहे हैं। टूथपेस्ट पर लागू कर रहे हैं, टॉयलेट्रीज पे लागू कर रहे हैं, जो खाना आता है प्रोसेस्ड फूड आता है उस पर कर रहे हैं, और घर में साधारण सामान जो घर में इस्तेमाल होता है उस पर लागू कर रहे हैं। ऑक्सीजन मीटर्स पर भी 18% जीएसटी लगा है, जबकि ऑक्सीजन मीटर जान बचाने का पहला कदम है कि पता चल जाए, एक पीड़ित को पता चल जाए कि मेरे जिस्म में ऑक्सीजन का एब्सॉर्प्शन जो है वो क्या 90 है या 90 से ऊपर है या 90 से नीचे है, इतना पता करने के लिए, ताकि वो तत्काल किसी अस्पताल में जाकर अपना उपचार करा सके। वहाँ भी 18% जीएसटी लगाया गया है। एक और बात ये है कि कहीं कहीं आप अगर बाज़ार में कुछ चीज़ खरीदें किसी विशेष व्यक्ति से तो लगता है कि ये इतना सस्ता कैसे है, जब माल वही है जो माल बाज़ार में और जगह पर है और 2500 का बिक रहा है, कहीं ब्लैक हो रहा है तो 4000 का बिक रहा है, तो ये यहाँ पर कैसे 800 में और 900 में बिक रहा है। तो पता ये चलता है कि जो भारत के लोगों के सहयोग के लिए माल भेजा गया था उसको भी किसी और रास्ते से 800 और 900 में बेचा जा रहा है। 800-900 कम होते हैं, लेकिन जो चीज़ मुफ्त मिली है और जिसका निःशुल्क बंटवारा होना चाहिए उसको 800-900 में बेचना हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा अत्याचार। नहीं, ये सब कुछ किया है, कोरोना से बहुत दुखी हैं हम, और हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि फिर से कोरोना की कोई वेव, तीसरी वेव कोरोना की आने मत दीजिए। जितना भी प्रयास करके अपने आप को सुरक्षित, अपने परिवार को, अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं वो रखिए, ताकि तीसरी वेव ना आए, हम कोई गलत निर्णय ना लें जिसके कारण तीसरी वेव आ जाए। पहले गलत निर्णय हुए उसकी वजह से सेकेंड वेव आई, सेकेंड वेव ने हम पर कितना नुकसान हम पर ढाया है वो आप जानते हैं। लेकिन ये कहना कि ये सब कोरोना की वजह से हुआ है, इसमें हम ये ना भूलें कि जब कोरोना पहली बार आ रहा था उस समय हमारा जो ग्रोथ थी, हमारी जो ग्रोथ रेट था वो 8.2% से, जो फाइनेंशियल ईयर 17 से फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच में 8.2% से लेकर 4.1% आ गया था। कोरोना को बहुत दोष हम देंगे, कोरोना पर काबू नहीं पाई सरकार इसके लिए हम दोष देंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि कोरोना के कारण ही ये गिरावट आई है। ये गिरावट आ चुकी थी, आ रही थी जब कोरोना ने हमको घेरा है। ये आपको मैंने पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं उस पर मैंने विस्तार से आपको बता दिया है,
और कर दें ताकि हम ये बता सकें कि ये दोष किसका है और हम इसको फिर सुदृढ़ और ठीक कर सकें। ये मैं चाहता हूं कि आप ये संदेश दीजिए। सरकारें बदलती हैं जब चुनाव होते हैं, लेकिन जब सरकार बिल्कुल फेल हो जाए तो सरकार को इतनी सूझबूझ के साथ उस पद से अपने आप को मुक्त कर देना चाहिए जो पद उनके लिए और देश के लिए इस समय इतना दुख पहुंचा रहा है, उससे अपने आप को मुक्त कर दें। हम सरकार को चला के दिखाएंगे कि सरकार कैसे चलती है। मैं आपका धन्यवाद कहता हूं। कोई प्रश्न होंगे तो आप वो पूछे। आप ये कह रहे हैं कि हम अपना सवाल सीमित कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल पर, तो पेट्रोल और डीजल हम मुफ्त देना शुरू कर दें, खसारा कर दें स्टेट में? सरकार, केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी है वो कुछ ना करे, हम उनको सिर्फ सिंबलिज्म दिखाते रहें कि हम भूखे रहेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, आप जो चाहो खाते रहो? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हमको स्टेट भी चलानी है, इनको अपने अपने विभाग चलाने हैं, इनको नरेगा चलाना है, इनको नरेगा चलाना है, इनको श्रमिकों को देखना है, तो अपने विभाग चलाने हैं, तो विभाग हम लुटा के तो नहीं चला पाएंगे। तो इसलिए अरे एक इसको तो खत्म कर लो पहले। भाई वहां से सवाल आपने पूछा कि पेट्रोल जो है केंद्र की कोई जिम्मेदारी है? कोई लड़ाई नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम फेडरलिज्म में यकीन रखते हैं तो हमको सहयोग एक दूसरे का करना चाहिए। लड़ाई जब होती है जब हम रण के मैदान में उतरते हैं, चुनाव में उतरते हैं, तब लड़ाई होती है। जब सरकारें चलानी होती हैं तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन लड़ाई समझ कर ही केंद्र सरकार हम लोगों के साथ व्यवहार करती है। इसको मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। गरीब को, मध्यम वर्ग के लोगों को जिनके पास बॉन्ड्स हैं और वो थोड़ा सा प्रोटेक्शन चाहते हैं बढ़ती कीमतों से, उस पर अलग चर्चा हो सकती है, लेकिन बहुत सीमित हमने बॉन्ड्स बेचे थे। ये मान 1,30,000 करोड़ बेचे थे ताकि उससे कम से कम हमको एक ये एक्सपेरिमेंट हमारा कि जब कीमतें बढ़ेंगी तो उस वक्त ये लोग अपने को प्रोटेक्ट कर सकेंगे, इसलिए हमने किया था। इस पर उन्होंने तो नहीं कहा कि ये गलत है, आज तक उन्होंने नहीं कहा ये गलत है। आपने ज़रूर कहा है, अब आप उनको ये आइडिया मत दीजिएगा क्योंकि उनको अरे बीजेपी तो बहुत चीज़ें कहती है भाई, लेकिन अधिकृत रूप से नहीं कहा ना। पार्लियामेंट में कह दे तो फिर बात साफ हो जाएगी। पार्लियामेंट आ रहा है, हम तो वहाँ ये सारे विषय उठाएंगे, वो पार्लियामेंट में ये जवाब दे दे। जवाब देगी तो फिर हमारा जवाब क्या होगा कि ख़त्म कर दो बॉन्ड्स, यही होगा ना हमारा जवाब। तो पेट्रोल 100 रुपये से ज़्यादा बढ़ चुका है पर लीटर, और डीजल जो है वो 90 को छू रहा है पर लीटर। मुंबई में 106 हो गया है, 106 और 97 बम्बई में हो गया है। एलपीजी दिल्ली में 835 रुपये सिलेंडर है, आपको याद है वो? अभी तक वो आपको चित्र देखने को मिलते होंगे और आप उनको समय समय पर प्रकाशित करते हैं कि जब खाली सिलेंडर लेकर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सड़कों पर उतरते थे तब क्या स्थिति थी, क्या खर्चा होता था एक सिलेंडर पर, और आज जब 835 सिलेंडर हो गया है, जो पटना में आपके पड़ोस में 933 पर पहुंचा है। हर जगह के आंकड़े आप इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन ये एक सांकेतिक रूप से मैं आपको बता रहा हूं। और ये तब हो रहा है, ये तब हो रहा है जब जो कच्चा तेल होता है वो करीब 75 यूएस डॉलर्स हर बैरल का है, 75 यूएस हर डॉलर्स का है, और जो कि यूपीए की सरकार के समय 125 यूएस डॉलर्स का था, और उस समय हम तेल 65 रुपये पर देते थे और डीजल 44 रुपये पर देते थे। और इसका एक ही मतलब है कि सरकार पैसे इकट्ठा करने के लिए लगातार सेस लगाती जा रही है और वो उसकी जेब में, सरकार की जेब में जा रहा है।
अब सरकार ने हाथ उठा दिए हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, अब सिर्फ अपना खर्चा पूरा करने के लिए वो गरीब व्यक्ति पर ये बोझ डाल डाल कर, सेस बढ़ा बढ़ा कर, कीमतें बढ़ा बढ़ा कर चलाने की कोशिश कर रही है। बहुत बड़ा विषय बन चुका है। तो आपको चंद आंकड़े देना चाहता हूं। एक बात सब जानते हैं, ये सामूहिक रूप से हम लोग सब जानते हैं कि जो आरबीआई का, रिजर्व बैंक का जो लक्ष्य था और है, वो इन्फ्लेशन को लेकर, जो बढ़ती कीमतें हैं उनको लेकर 4% का था। 4% में 2% घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं। वैसे भी एक बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था में जो डेवलपमेंट या जैसी स्थिति भारतवर्ष की पिछले 10-20 वर्ष में रही है, उसमें माना जाता है कि उसमें लक्ष्य 4% ही होना चाहिए। 4% से ना कहीं नुकसान है, अगर कुछ नफा हो सकता है तो अवश्य नफा होता है। तो ये 4% थी, हालांकि लक्ष्य रहा 4% का, लेकिन जो मई के आंकड़े हैं और जून के आंकड़े हैं, उसमें पहले 5.91 और उसके बाद 6.37 मई और जून में ये आंकड़े आए हैं। इसको कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि ये आंकड़े जो हो वो वास्तविक आंकड़े होते हैं। और जो कोर इन्फ्लेशन है, जो सामूहिक इन्फ्लेशन माना जाता है, वो 5.5% से लेकर 5.8% तक हो गया है। 4 कहाँ, 5.8 कहाँ। लेकिन इसमें जो विशेष क्षेत्र के इन्फ्लेशन है, उस पर आप अवश्य गौर करें। जो खदान के मामले हैं 5.58, फूड इन्फ्लेशन, पल्सेस जो हैं दाल 10% इन्फ्लेशन परसेंट, जो फल जैसी वस्तुएं हैं उनका 11.82%, ट्रांसपोर्ट जो है यातायात में इन्फ्लेशन 11.56 है, फ्यूल और लाइट इन्फ्लेशन 12.68% है, और तेल से संबंधित वस्तुएं इन्फ्लेशन 34.78% है। इतना बढ़ता हुआ दर, और वो कब, जब हम पिछले 2 वर्षों से कोविड से और कोविड पैंडेमिक से हम त्रस्त हैं। कितने लोग हम खो चुके हैं, कितने लोग तड़पते तड़पते हमको छोड़ के चले गए, इसलिए कि जो व्यवस्था बनी थी उसमें ना अस्पताल के बेड्स अवेलेबल थे और ना ही ऑक्सीजन या वेंटिलेटर अवेलेबल थे। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग भुक्तभोगी चारों तरफ आपको दिखते हैं, और किसी की भी गाथा को आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। आप सब कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं, और ऐसा नहीं है जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे घर के बारे में भी आप पूछें, परिवार के बारे में पूछें, तो हम सब इससे प्रभावित हुए हैं और लोगों को, अपने करीब के लोगों को खो बैठे हैं। तो इन्फ्लेशन को हमेशा, बढ़ती हुई दरों को हमेशा एक लोकतंत्र में बहुत बहुत पैनी नज़र से देखा जाता है, लेकिन जब स्थिति ऐसी हो जैसी कि हमने पिछले 2 वर्ष में देखी है, तो फिर इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी समस्या, एक क्रूड समस्या बन जाती है, और उस समस्या का सामना करते हुए हमें कुछ दिख नहीं रहा। 2-3 विशेष इसमें मुद्दे हैं कि जो ईंधन की कीमत है, जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं,
और जब मैं कहता हूं कि वो बढ़ रही हैं तो हमको ये मानना पड़ेगा कि सरकार बढ़ा रही है, क्रूर सरकार है, जो दया जिसमें करुणा और दया कहीं देखने को नहीं मिलती कि आज इनकी कीमतों को बढ़ाकर वो कितना अन्याय कर रहे हैं।